गाइस, जैसे कि आप जानते हैं टाइटल से कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हो एट होम। एक हेल्दी बॉडी के बिना आप एट्रैक्टिव और ग्लोइंग स्किन नहीं पा सकते हो। एक वर्कआउट रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, तो घर पे कैसे करोगे, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्री वर्कआउट मील। यहाँ पे मैं एप्पल ले रही हूँ और पीनट बटर। आप ड्राई फ्रूट ले सकते हो, मिल्क शेक ले सकते हो, बनाना शेक ले सकते हो, मैंगो शेक ले सकते हो, बट आप कोई से भी शेक अगर ले रहे हो उसमें शुगर ऐड नहीं करोगे। पीनट बटर भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर फ्री है। यहाँ पे मैं चॉकलेट फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आपको प्लेन वाला लग रहा है तो आप वो भी ले लें, जो आपका दिल करे। प्री वर्कआउट मील लेने से आप एनर्जेटिक बहुत फील करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाई रहता है और आपका वर्कआउट का जो परफॉर्मेंस रहता है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाते हो। तो ये सारे स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कआउट करने से पहले। वर्कआउट करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए एक फिक्स टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो या फिर रात को भी कर सकते हो, जो टाइम आपको ठीक लगे एक सेम टाइम पे ही आप वर्कआउट रोज़ किया करो। आज का वीडियो मेरे उन सारे सिस्टर के लिए है जो जिम नहीं जा पाती है, घर पर वर्कआउट करना चाहती है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया था कि होम वर्कआउट दिखाओ, तो ये रहा वीडियो। आप लोग इसको अच्छे से देखिए विदाउट स्किप किए बिना, क्योंकि मैं जो सारे आप लोगों को स्टेप दिखाऊंगी वो आप लोगों को ही काम आने वाला है। बहुत ही ईजी स्टेप है ताकि आप लोग ईजीली इसको फॉलो कर पाओ, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली ही वर्कआउट है। वर्कआउट करने से पहले बॉडी को स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट स्किप मत करना, स्ट्रेचिंग ज़रूर करना अपना बॉडी को। वर्कआउट के बीच बीच में पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सिप सिप करके। उससे आपका बॉडी हाइड्रेट भी रहता है एंड आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करवाता है। तो पानी पीना मत भूलना, एक बॉटल रखना हमेशा अपने साइड पे। स्ट्रेचिंग के बाद 5 मिनट अपने बॉडी को रेस्ट देना, उसके बाद वर्कआउट शुरू करना। फर्स्ट है स्टैंडिंग जैक्स, बहुत ही इजी वर्कआउट है। मैं स्लोली स्लोली दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लीजिए। इसको 3 सेट करना है और 10-10 करके करना है। नेक्स्ट है क्रंचेस स्क्वाट, इसको भी 3 सेट करना है 10-10 करके, और मैं स्लोली स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है एंड बहुत ही इजी वर्कआउट है, तो इसको ज़रूर ट्राई करना, इससे आपका बेली फैट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है स्क्वाट, बहुत ही इजी है। आपको 10-10 करके करना है शुरुआत में, उसके बाद 20-20 करके करना है 3 सेट करके। आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करोगे अपने वर्कआउट में। नेक्स्ट वर्कआउट स्प्लिट स्क्वाट, इसको भी आपको 3 सेट करना है 10-10 करके करना है। ये लेग के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसका आपका लेग टोन भी होगा एंड फैट भी है तो वो भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट स्लो क्लाइंबर, इसको भी 3 सेट करना है 10-10 करके करना है। शुरुआत में आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 5-5 से भी शुरू कर सकते हो एंड वर्कआउट करते करते आप थोड़ा बहुत थकावट फील हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका एनर्जी डाउन फील हो सकता है, तो आप तुरंत ही थोड़ा सा रुक जाना, 5 मिनट रेस्ट करना, थोड़ा सा पानी पी लेना। 5 से ज़्यादा मिनट आप रेस्ट मत करना। अब करेंगे 1 मिनट का प्लैंक। मैं तो 1 मिनट कर लेती हूँ, पर शुरुआत में आप नहीं कर पाओगे, बॉडी आपका सिमर करेगा, तो आप 1/2 मिनट भी कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता है कर सकते हो, फिर स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्कआउट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, नी हग।
आपको इस वर्कआउट से अपना जो बेली फैट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखने मिलता है और मेरा जो हार्मोनल प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है एंड बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। पर जो लोग बिगिनर है ये वाला वर्कआउट उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगता है या फिर नहीं कर पाता है, तो आप लोगों को मैं अल्टरनेट में भी एक वर्कआउट दिखा देती हूँ। आप लोग पाँव को नीचे कर लेना, उसके बाद भी आप ये वर्कआउट कर सकते हो, इससे भी आपका जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और ये भी आपको 3 सेट करना है एंड 10-10 करके करना है। नेक्स्ट है जैम्पिंग जैक्स, इसको भी 3 सेट करना है, 10-10 करना है और बहुत ज़्यादा इजी है, तो कर ही लोगे आप लोग। जिन लोगों को लोअर बेली फैट है और रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये वर्कआउट 3 सेट करके 10-10 करके करना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है पंचेस, बहुत ही मज़ेदार वर्कआउट है। वर्कआउट करते करते जो टॉक्सिक फ्रेंड है, टॉक्सिक रिश्तेदार है, सबका फेस याद करो और घुसा मारते रहो। इससे क्या होगा, आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा, वर्कआउट भी हो जाएगा। वैसे बहुत काम का चीज़ है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, मज़ा तो बहुत आता है मुझे, आपको भी आएगा। नेक्स्ट है आर्म सर्कल वर्कआउट, जिसका आर्म बहुत ज़्यादा हैवी है उनके लिए वर्कआउट है। 3 सेट करना और 10-10 करके करना, बहुत ही ईजी वर्कआउट है, तो आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट वर्कआउट है स्टेप बैक जैक्स, ये बहुत ही ईजी वर्कआउट है, तो इसको 10-10 मत करना, इसको 20-20 करके करना एंड 3 सेट करना। पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद जब शाम को रोज़ा खोलने के बाद जब वर्कआउट करती हूँ, थोड़ा सा मेरा एनर्जी डाउन रहता है, बट इज़ ओके, अपने आप को मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं देना होता है, इसलिए मैं हर रोज़ वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। नेक्स्ट वर्कआउट है डोंकी किक, इसको भी 3 सेट करना है, 10-10 करके करना है, बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट। जो लोग बिगिनर है मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप लोग 30 मिनट से वर्कआउट करें, उसके बाद 40 मिनट 50 मिनट ऐसे करते करते अपना टाइम को इंक्रीज करें। एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट अगर कर लोगे तो आपका बॉडी पेन होगा, नेक्स्ट दिन बेड से उठ नहीं पाओगे, फिर आप डर के मारे वर्कआउट ही नहीं करोगे। सो अपना वर्कआउट का टाइम को भी आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। वर्कआउट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलरिटी मेंटेन करना। 6 दिन वर्कआउट करें, 1 दिन बॉडी को रेस्ट दे, एंड जो सारे वर्कआउट मैंने आज आप लोगों को वीडियो में दिखाया है बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है, एंड आप लोग आराम से घर पे कर सकते हो। वर्कआउट आप लोग जब घर पे करोगे, मेरे साथ फ़ोटो शेयर करना इंस्टाग्राम में, मैं स्टोरी में अपना फ़ोटो शेयर करूँगी आप लोगों का, एंड मोटिवेट रहो। एंड कुछ भी और जानना अगर है तो कमेंट में पूछना। वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ डाइट भी लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 30% वॉक करता है वर्कआउट और 70% वॉक करता है हमारे डाइट। तो आफ्टर वर्कआउट मैं ड्राई फ्रूट लेती हूँ, आपके पास आपके घर पे जो भी अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट आप ले लो, एक मुट्ठी बराबर आप ले लो, कोई भी सब कुछ मिक्स करके। बट आप लोग काजू मत लेना, क्योंकि उससे ना फैट होता है, तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं लोगे कि जिससे आपका बॉडी में फैट दे। ड्राई फ्रूट से स्किन का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, हेयर का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और आपका ओवरऑल बॉडी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड फिट रहता है। तो अपने डाइट पे थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट को ज़रूर आप ऐड करो, एंड कोकोनट वाटर आफ्टर जब वर्कआउट होता है मैं ज़रूर पीती हूँ, और 1 हफ्ता का जो कोकोनट वाटर मैं पीती हूँ वो मैं घर पे मंगवा के रख लेती हूँ, ताकि मेरा स्किप ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है बॉडी को। और अभी जस्ट मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है मेसो से, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर दिया था, मैं ईद के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही हूँ अभी से, घर का किचन का आइटम एंड होम डेकोर आप लोगों के साथ बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं मेसो होम डेकोर और किचन का मैं हॉल शेयर करूँगी, पहले पूरा प्रोडक्ट पहले आ जाए। एंड वाटर जो है कोकोनट वाटर, वो पीने से मैंने अपने स्किन में एक चीज़ तो देखा है,
कि मेरे स्किन में ज़्यादा हाइड्रेशन का प्रॉब्लम पहले जैसा था अब नहीं है, क्योंकि अंदर से इंटरनली मेरा स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हुआ है। एंड और एक चीज़, मेरा जो एक्ने का जो प्रॉब्लम था वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि वो मेरा टमी को कूल रखता है, इसलिए मेरा स्किन अच्छे से ग्लो भी करता है एंड हाइड्रेट भी रहता है। तो आप लोग भी कोकोनट वाटर ज़रूर पीना। आफ्टर वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक हाई प्रोटीन डाइट लेना, क्योंकि जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल का टिश्यू ब्रेक होता है, उसको रिकवर करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत कोई प्रोटीन पाउडर लेता है, पर मैं डब्बे वाला प्रोटीन पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए हाई प्रोटीन डाइट जो मैं रेडी कर रही हूँ, पनीर, और ये रहा चावल का आटा जो मेरी अम्मी लेके आई थी मेरे लिए। आप लोग पनीर ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, पर रेड मीट मत लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट देता है और स्किन के लिए रेड मीट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो आपको अगर प्रोटीन लेना है तो आप एक भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट पे, ये सारी चीज़ आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ रागी का आटा का, क्योंकि जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है वो जो गेहूं का आटा है उसको थोड़ा इग्नोर करे तो ही अच्छा होता है, इसलिए मैं रागी का आटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ। हमेशा मैं बोलती हूँ घी को अपने डाइट पे इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होता है, आपके कैल्शियम भी देगा, आपका बोन्स को, और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा जो इशू होता है, जो हमारे घुटने में दर्द होता है या फिर कोई भी जैसे मसला होता है, वो सारे चीज़ नहीं होगा। तो अपना डाइट पे हमेशा ध्यान रखना। और ये रहा मेरा हेल्दी सा डाइट। अरे यहाँ पे मैंने करी ऐड किया है, थोड़ा सा मसूर और मूंग दाल मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा प्रोटीन को इंक्रीज़ करने के लिए। दैट्स इट गाइस, ये रहा मेरा हेल्दी सा मील आफ्टर वर्कआउट। आप लोग यहाँ पे रोटी ऐड कर सकते हो या चावल भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप लोग खाते हो उस हिसाब से ऐड करना, और हेल्दी खाना घर के खाना ही खाना। सो गाइस, आज के बाद खुद को ये एक्सक्यूज़ मत देना कि आप जिम नहीं जा सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, या फिर आपको कौन सा वर्कआउट करना है वो पता ही नहीं है। मैंने बहुत ही सिंपल वर्कआउट आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि कॉलेज गोइंग गर्ल, टीनेजर गर्ल, या फिर जो लोग जिम नहीं जा सकते, इजीली घर पे कर सकते हैं। आधा से एक घंटा अपने आपको टाइम दो, अपना वर्कआउट करो, ताकि आपका ओवरऑल बॉडी भी अच्छा रहे और आपका स्किन भी अच्छा रहे। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है पता तो है, फिर भी बता ही देती हूँ। फिर मैं मिलूँगी मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, बहुत सारा प्यार, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना।